ये आकाशवाणी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदिता दयाल माथुर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार। संसद का शीतकालीन सत्र कल से आरंभ हो रहा है। ये चलेगा 20 दिसंबर तक और 26 नवंबर को 75वीं वर्षगांठ जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को अडॉप्ट करने की, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा सेंट्रल हॉल संविधान सदन में, जो कि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, विपक्षी दलों के पास काफी मुद्दे हैं उठाने के लिए और जो जनता से जुड़े हुए भी हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पहले साफ किया है कि सरकार चाहती है कि इसके ऊपर कुछ चर्चा हो और इसके ऊपर अगला कदम बढ़ाया जाए, जो कि दो बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिल्स हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल है और दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल है, जिसके ऊपर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति भी बनाई थी, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे चुकी है। ये दोनों जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, जो सरकार का बिजनेस है, इसको आगे बढ़ाने की बात सरकार ने की है। किस तरह से इन दोनों बिल्स के ऊपर विपक्षी दल चर्चा में हिस्सा लेंगे, सरकार किस हद तक सफल होती है अपने प्रयासों में और किस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे संसद के इस शीतकालीन सत्र में, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रेम शुक्ला और नासिर हुसैन हैं कांग्रेस से, अभिनंदिता माथुर हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदिता जी, सरकार ने तो ये साफ किया है कि इन दो मुद्दों के ऊपर इस बार बहस और पास कराने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी जो शीतकालीन सत्र रहेगा, तो विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दे हावी रहेंगे, क्या देखती हैं आप संसद के शीतकालीन सत्र में? बहुत दुख की आज बात है कि आज हमारा देश जो है वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां संसद का जो सत्र है वो आम आदमी के लिए एक उम्मीद की जगह निराशा का प्रतीक बनता जा रहा है। आज कई ऐसी बातें हैं जिन पे बहुत जरूरी है चर्चा होना। महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, आम आदमी को रोजमर्रा में जो खर्चे पूरे नहीं होते, जो रोजमर्रा का संघर्ष है, यूथ के लिए जो जॉब्स नहीं है, हमारी सेना तक समस्याओं को लेकर सड़क पर आना पड़ता है। जो भी ये हमारी पूरी व्यवस्था है, इसका जो फेलियर है, विफलता है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन इस दौर में भी, इस टाइम पर जब एक तरफ मणिपुर जल रहा है, रोज ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात आती है, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, इतनी सारी जबरदस्त समस्याओं से देश जूझ रहा है, दुख की बात यह है कि बीजेपी या सत्ता पक्ष जो है वो ऐसे ऐसे मुद्दों को पार्लियामेंट में लाता है जो सिर्फ उनके पॉलिटिकल गेन के लिए है। उसका असली उद्देश्य जनता की सेवा या जनता की परेशानियों को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि अपनी डोमिनेंस को, अपने पॉलिटिकल माइट को बढ़ाना है। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड और बहुत दुख की बात है कि एक भी ऐसा बिल या ऐसी बात सुनने तक को नहीं आती जो सत्ता पक्ष आज पार्लियामेंट में लेकर आएगा, जिससे देश का भला हो, जिससे लोगों का भला हो। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर से जब भी विपक्ष के लोग जनता की आवाज को पहुंचाते हैं, जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मेन कोर है, उन सारी आवाजों को अलग अलग रूप से, अलग अलग जोर जबरदस्ती से दबा दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी की हमेशा से यही एक उम्मीद रही है, यही एक मिशन रहा है कि जनता की आवाज को, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पे चर्चा हो पार्लियामेंट में। उसमें आम आदमी पार्टी ही नहीं, सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि सब लोग मिलके उन चीजों के समाधानों को ढूंढे, एक रियल डिबेट करें। तो आम आदमी पार्टी के लिए यही मेन मुद्दे रहेंगे कि आप जवाब दें कि मणिपुर का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, जो इतने लार्ज स्केल पे पेपर फूटते हैं, सरकारियां नौकरी नहीं खुल पाती, उनका क्या नतीजा है, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में क्या सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या प्रावधान आप करने वाले हैं, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी भी हैं। तो शुक्ला जी, आपने अभी सुना कि अभिनंदिता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उन्होंने ये ज्वलंत मुद्दों का जिक्र किया, तो जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मुद्दों के ऊपर बहस हो संसद में। और ऐसा तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री बार बार बीजेपी के शीर्ष नेता कह चुके हैं कि सरकार हमेशा तैयार रहती है मुद्दों पर, मगर विपक्ष कुछ ना कुछ अड़चन लगा देता है। तो एक तो वो मुद्दा है और दूसरा, जैसे आम आदमी पार्टी
पार्टी की तरफ से ये उठाया गया कि महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और जो सरकारी नौकरियों का मुद्दा, क्लाइमेट क्राइसिस का मुद्दा, तो आप कैसे देखते हैं कि इन सब मुद्दों पर क्या बहस हो पाएगी शीतकालीन सत्र में, या किस तरह के लेजिस्लेटिव बिजनेस को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, सारे मुद्दों पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र को विमर्श के माध्यम से संचालित करने के पक्ष में रहती है। इस संसदीय सत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें दो महत्वपूर्ण विधेयक जो है पेश होने हैं। एक विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक और दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसके अलावा जो है इस संसदीय सत्र के दौरान ही इस देश का संविधान दिवस भी मनाया जाना है, जो 26 नवंबर के दिन इस देश के संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष पूर्ण होगा। ऐसे में इस देश की संवैधानिक लोकतंत्र की पुष्ट करने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका स्मरण करना और हमारे जो कार्य जन कल्याण के किस तरह से संविधान के माध्यम से भविष्य में भी किए जाने हैं उसके संदर्भ में एक संकल्प लेना, यह निश्चित तौर पर इस राष्ट्र का जब हम अमृत महोत्सवी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में जो है हम 2047 तक इस राष्ट्र को विश्व के सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा कर सके, उसके लिए हम अहर्निश कैसे परिश्रम हमारे हर नागरिक से लेकर हर अधिकारी, हर हमारे राजनेता, हर किसी को एकजुट होकर इस देश को विश्व का नेतृत्वकर्ता, विश्व का मित्र के रूप में संस्थापित करने की दिशा में संकल्पबद्ध होना है। अब जैसा अभी हमारी विपक्ष की पैनलिस्ट महोदय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2024 तक संसद का ऐसा कोई सत्र नहीं है जब विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विमर्श करने के लिए हमने सहमति नहीं दी। जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर मणिपुर का जिक्र, मणिपुर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी विमर्श के लिए राजी हुए, विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर जब उत्तर देने के लिए खड़े हुए सदन में, तो सारे विपक्ष लोग हंगामा मचाते हुए बहिर्गमन कर गए। तो एक स्वस्थ चर्चा के लिए विपक्ष का ऐसे विमर्शों में स्वयं सम्मिलित होना भी एक संसदीय परंपरा के लिए आवश्यक होता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पर्यावरण परिवर्तन हो, हर मुद्दे पर जब से सदन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने सौंपा है, हम तमाम विषयों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ विमर्श करने के लिए तैयार हो। अभिनंदिता जी, जैसा कि शुक्ला जी ने बीजेपी का सत्ता पक्ष का अपने विचार रखे और ये भी सहमति जताई कि एक तो 75वीं एनिवर्सरी होगी कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो संविधान दिवस मनाया जाएगा, और दूसरी ओर से उनका तो कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए संसद में तैयार है, विपक्ष इसमें सहयोग नहीं करता, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, इस विषय पे तो बीजेपी लगातार अपने आप को खुद ही एक्सपोज करती आई है। जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश की अलग अलग आवाजों को, जो आपके ऑपोजिशन में चुने हुए नेता आए हैं, उनके जरिए सुने। वो तो यहाँ हो नहीं पाता। अब आप देखिए, जैसे बीजेपी आज की डेट में प्रधानमंत्री जी क्या नारा लगा रहे हैं, जो क्या बिल लेकर आने वाले हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव का, ये वर्ड, ये टर्म तो सुनने में बहुत फैंसी लगती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसकी आयरनी ये है कि जहाँ ये एक तरफ 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शायद ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में संविधान के ऊपर, संविधान के संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा हमला है। स्थानीय मुद्दों का उपेक्ष है, जनता के मुद्दों पे आवाज लगाएं, ये फैंसी टर्म्स और ये जुमलेबाजी जो है वो इस समय पीछे रख के जो प्राथमिक समस्याएं हैं देश की उन पे आप मुद्दा करें। इनके सारे जो बिल्स पेश किए जाते हैं वो जल्दी में होते हैं, चाहे आप वो ऑर्डिनेंस देखिए, दिल्ली सरकार के, चुनी हुई सरकार के हक छीनने का ऑर्डिनेंस हो, या चाहे वो कोई भी और ऐसा मुद्दा हो जहां ये जनता के हक कॉन्स्टिट्यूशन का वध करके ये लेते हैं। और बहुत आयरनी की बात है कि 26 नवंबर को जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई एलिमेंट्री कोर्स जो है वो बीजेपी ले ले कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज क्या हैं और उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। हमारी यही वो है और ये हम वन नेशन वन इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं। शुक्ला जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के क्या इस बारे में व्यूज हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तो खिलाफ हैं, मगर सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से जो शीर्षस्थ नेता हैं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इतने सारे रिसोर्सेस खर्च होते हैं, अगर हर समय देश इलेक्शन मोड में रहता है तो ये देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि हर साल हर कुछ महीने बाद किसी न किसी राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 5 साल बाद लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हैं। तो किस तरह से आप सोचते हैं कि इसमें बीजेपी आगे बढ़ पाएगी,
देखिए किस तरह से जो है संभ्रम फैलाया जाता है, किस तरह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जाता है और किस तरह से जो है इतिहास को भुलाए जाने का प्रयास किया जाता है। भारत में संसद के जो संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा की संकल्पना की थी, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना तो साकार ही हुई थी। 1952 के चुनाव, 1957 के चुनाव, 1962 के चुनाव क्या भारत के संघीय ढांचे के विरुद्ध थे? 1952 में सारे विधानसभा और पूरी लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा के तत्कालीन जो हमारे कर्ता धर्ता थे उन्होंने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया था? क्या बातें करते विपक्षी लोग, कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अज्ञान का परिचय दिया? ये आपने देखा अभी 1962 1957 इनके भी चुनाव जो है साथ ही साथ हुए थे, जब केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल की विधानसभा जो 1957 में निर्वाचित हुई थी उसको 1959 में जब नम्बूदरी पास की सरकार को बर्खास्त कर दिया, उसके बाद केरल विधानसभा के चुनाव अलग समय पर होना प्रारंभ हुआ। इसी तरह से 1962 से 1967 और 1968 के बीच में कई सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने 90 से अधिक ऐसी सरकारें थी जिनको विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, उनको बर्खास्त करने का असंवैधानिक कृत्य किया, जिसके कारण इस देश में चुनाव जो है विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के समय में अंतर आया। तो संविधान सभा के संविधान निर्माताओं के दीर्घा में वन नेशन वन इलेक्शन का ही संकल्प उनके ध्यान में था और उसी संकल्पना को साकार करने के दृष्टि यहाँ चुनाव की योजना बनाई गई थी। इस देश के निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वह सिद्ध है और जिस तरह से निर्वाचन हमारे यहाँ होता है पूरा विश्व जो है उस आदर्श को ग्रहण करने के लिए लालायित रहता है। लेकिन कुछ लोगों को जो है चुनावी पराजय पचती नहीं है, तो वो इस देश के निर्वाचन आयोग पर, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर, इस देश की विधायिका पर, इस देश के संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभों पर प्रहार करने में ही स्वयं के ज्ञान को प्रकट करना पसंद करते हैं। ये समझ से परे है। और जहां तक बात रही विमर्श की, तो संसद के सदन में जब यह विधेयक पेश होगा तो सारे संसद में जिन दलों को जनता ने जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है क्या उनको उसमें विमर्श का अवसर नहीं मिलेगा? तो आप समग्रता में विमर्श करेंगे। इसके अलावा ये बिल पास होने के बाद विविध विधानसभाओं में भी इस बिल को पारित होना है, तो उन विधानसभाओं में भी इस पर चर्चा का पूरा अवसर होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी का पक्ष रखा अभिनंदिता जी। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन जो इतना कंटेंशियस और विवादास्पद एक मुद्दा बनता जा रहा है, तो इसमें बहुत आसान आगे दिखती नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक अगर इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें काफी गर्मा गर्म और काफी वृहद चर्चा की स्कोप ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में और अगले साल भी होती रहेगी। तो इसको देखते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट आपको लगता है कि हो पाएगा? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक बात आती है नियत की और दूसरी बात आती है वे फॉरवर्ड की। जहां तक की नियत की बात है, देखिए ये स्पष्ट है कि जो अभी सरकार है सेंटर में, वो किसी भी रूप से एक एब्सोल्यूट पावर लाने के जद्दोजहद में लगी रहती है। चाहे वो सरकारें तोड़ना हो, चाहे वो रात को 2 बजे किसी को ओथ लेना हो, या चाहे वो बैठे बिठाए चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना हो, सारे लोकतंत्र में इस तरह से मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ एजेंसी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की वजह से, वो नियत की वजह से है। कई पॉइंट्स सर ने रखे, उसमें एक बात है कि आप इतिहास और आज के इरादों में फर्क देखिए। आप अपने आप को बाबा साहब से कंपेयर कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आप उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। क्या बाबा साहब ने ये कभी सपना में भी सोचा होगा कि आप बैठी बिठाई सरकारें तोड़ेंगे, आप रेड्स करके प्रेशर डाल के लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ के सरकारें बना के? ये तो बाबा साहब का सपना नहीं था। लोकतंत्र की जरूरतें बदलती हैं, लेकिन उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है और ये पार्लियामेंटेरियंस का फर्ज है। तो इस प्रकार से जिस तरह से नैरेटिव बीजेपी बना रही है वैसा सत्य में कोई नहीं है, क्योंकि इतिहास और आज के इरादों का जो फर्क है वो हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है, और यही संघवाद की रक्षा जरूरी है। देखिए, हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है वो, इसे कमजोर करने वाला कोई भी कदम, चाहे वो किसी भी पार्टी ने लिया हो, वो किसी भी लॉजिक से लिया हो, वो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों की आवाज को दबाता है और वो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को बिल्कुल केंद्रीकरण करना, उनका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो उस तरफ धकेलता है और इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत डेंजरस है। तो ये स्पष्ट रूप है आम आदमी पार्टी का और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और फिर ये मैं आपको बोलूंगी कि देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज जवाब देना होगा सरकार को कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा?
रहा है? आखिर सरकारी नौकरियों में हो क्या रहा है? आखिर इन्फ्लेशन का क्या उपाय है उनके पास? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? बढ़ते हुए विमेन के ऊपर जो क्राइम है उसका क्या है? बुलडोजर राज का क्या है? दिन दहाड़े जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल रोज करते हैं उसके बारे में क्या है? जनता का पक्ष क्या है? सिर्फ उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की, ना कि अपने पावर को बढ़ाने की, इस देश को एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की। वो कोई भी पार्टी हो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है। शुक्ला जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी या अभिनंदिता जी ने जो कहा कि राजनीतिक जी परिदृश्य और वातावरण काफी बदले हुए हैं आज के युग में, और उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि काफी जो अभी के ज्वलंत मुद्दे हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, बजाय इसके कि इसके ऊपर ज्यादा बहस हो। अभी सरकार की अकाउंटेबिलिटी, लगता है विपक्ष इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने का इरादा रखता है। उन्होंने आचार संहिता का भी बात किया और संविधान की जो सेलिब्रेशन होगी 75वीं एनिवर्सरी होगी उसमें जो संवैधानिक मूल्यों की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार विपक्ष की इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार की जवाबदेही कितनी तीखी रहेगी और कितनी पुरजोर रहेगी? देखिए, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जो है वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से स्पष्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ किया। नहीं तो आपने ध्यान है कि आदरणीय मोदी जी के आने के पहले संविधान दिवस मनाए जाने की इस देश में परंपरा भी नहीं। जहां तक उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कल्पना भी नहीं की, वो सही बात है। 90 सरकारें जो है, आम आदमी पार्टी जिसके नेतृत्व में काम करती है कांग्रेस, 90 सरकारों को बर्खास्त कर देगी जिनकी विधानसभा बहुमत हो, इसकी कल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने निश्चित तौर पर नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समेत इस देश के संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी कि कोई सत्ता लोलुपता से इतना अंधा हो जाएगा कि उसे जब सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी तो जेल में रहकर भी वो मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र नहीं देखा। ऐसी सत्ता लोलुपता की कल्पना भी हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर पर नहीं। और जो लोग कह रहे हैं भाई इस देश में अगर सीबीआई किसी को अरेस्ट करेगी तो उसके लिए अरेस्ट कर सकती है सीबीआई, लेकिन उसको कस्टडी तभी मिलती है जब इस देश की न्यायपालिका उसकी कस्टडी यानी उसकी गिरफ्तारी को जब न्यायोचित पाती है। तो जो लोग जो है इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते, कार्यपालिका पर विश्वास नहीं करते और विधायिका को सिर्फ हंगामे का मंच मानते, वो निश्चित तौर पर इस देश को अराजकता में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक वर्तमान के मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने मुद्रा स्फीति की बात, 2004 से 2014 एवरेज इन्फ्लेशन रेट मुद्रा स्फीति दर 10% रही। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो इस दुनिया में भयंकर महामारी हुई थी, उस काल में भी 6% से ऊपर कभी मुद्रा स्फीति की दर नहीं गई। एवरेज मुद्रा स्फीति की दर 5 है, यानी हमने महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। और आज 80 करोड़ लोगों के घर में जब हम खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं तो इससे फूड इन्फ्लेशन नियंत्रित रहता है कि 80 करोड़ कोई ऐसा परिवार नहीं है जो नहीं। तो होता यह था कि महामारियों के समय, पूरी दुनिया जानती है, विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि महामारी के समय बीमारी की तुलना में भुखमरी से मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन भारत में एक भी व्यक्ति कोविड जैसी महामारी के समय भुखमरी का शिकार नहीं हुआ। इससे बड़ा जो है आप एक राष्ट्र के रूप में किसी भी राष्ट्र की सफलता को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस राष्ट्र को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, 1947 से लेकर 2024 की किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल, 15-16 साल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनके कार्यकाल रहे हैं जी, और भी हुए हैं, लेकिन एक भी आप प्रधानमंत्री का कार्यकाल बता दें जिसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। सर मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी हद हो गई थी। सबसे पहली बात यह है कि कोविड में हंगर स्ट्राइक्स जो है इंडिया में, आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बोगस हैं। 189 स्टार्वेशन डेथ्स तो रजिस्टर हुई हैं कोविड के दौरान पूरे देश में, और कितनी सारी ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो ईडी सीबीआई की बात करें, ईडी के बारे में बात करना सर भूल गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि कई दफे बहुत क्लियरली ये बोला है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो दबाव में लग रहा है कि काम कर रही हैं, जेल इज नॉट द नॉर्म, एक एडहॉक तरीके से बिना अक्यूज्ड को, इनफैक्ट वो अक्यूज्ड भी नहीं, एक लेवल पे वो सिर्फ सस्पेक्ट हैं। तो बिना सस्पेक्ट को डॉक्यूमेंट्स मिले, जानकारी मिले, एक एडहॉक तरीके से ये किया गया है। डेटा बिल्कुल साफ कहता है कि आप किसके पीछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो
बीजेपी में शामिल हुए हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़े और ओवरनाइट वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं जब वो उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं। एक बात मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से जरूर पूछूंगी कि आप 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए और हमें ये बताइए कि मणिपुर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि चाहे वो गृह मंत्री हो या वो टोकनिस्टिक, उन्होंने एक यात्रा की थी पिछले साल, लेकिन प्रधानमंत्री जो विश्व भर में आज घूम रहे हैं वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? क्या मणिपुर के बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे नहीं है? क्या मणिपुर की महिलाओं की इज्जत हमारी इज्जत नहीं है? ऐसा क्या मजबूरी है जो प्राइम मिनिस्टर आज तक मणिपुर पे मुंह नहीं खोल रहे हैं? जी शुक्ला जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे संक्षेप में, अगर आप ये जो मुद्दे उठाए अभिनंदिता जी ने। देखिए, जिस तरह से उन्होंने जो है डाटा को लेकर चैलेंज किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा को बोगस डाटा कहने का दुस्साहस सिर्फ आम आदमी पार्टी के झूठ बोलने वाले प्रवक्ता ही कर सकते। नीति आयोग के डाटा को भी इस तरह से झूठा कहने का, और जो फिगर बताया उन्होंने कि स्टार्वेशन से किसी की डेथ हुई, कहाँ का डाटा है वो? कृपा करके वो भी उद्धृत करके जाएं तो बेहतर रहेगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा मणिपुर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला, उसके बाद भी अगर किसी ने नहीं सुना हो तो ये उसके जो है बधिरपन का लक्षण है। जहां तक बात है कि आप बारम्बार जो है मणिपुर का जिक्र, निश्चित तौर पर मणिपुर में हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, यह भारत के संविधान के तहत हमने सुनिश्चित किया है कि किसी पर भी अन्याय अगर कोई करेगा तो अन्याय वाले के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी, और ये मणिपुर में भी सुनिश्चित। हमारे देश के हर नागरिक को, हर महिला को निश्चित तौर पर जो है न्याय देना, यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का दायित्व है और उसका निर्वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नासिर हुसैन हैं। डॉक्टर हुसैन, इस संसद के सत्र में कांग्रेस एक मेन विपक्षी दल है, और किस तरह के इश्यूज, किस तरह के मुद्दे संसद में इस बार उठाएंगे और क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस की इन मुद्दों के ऊपर, किस तरह की बहस देखते हैं आप होने वाली है संसद के शीतकालीन सत्र में? मुझे लगता है कि दो इम्पोर्टेंट, आप जो बिल्स के बारे में कह रहे हैं उसके ऊपर तो चर्चा होगी अगर वो बिल्स लाया जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, मणिपुर वाला इशू है, कनाडा वाला इशू है, फॉरेन पॉलिसी वाले मामले हैं, और इकोनॉमी वाला इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, ये बहुत सारे इशूज हैं। अभी पॉल्यूशन वाला इशू है, ये सब इशूज को भी हम लोग टेकअप करेंगे हमारे तरफ से। हमेशा जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो गवर्नमेंट अपने एजेंडे को लेके आने की कोशिश करती है इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, और किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी जो आवाम की आवाज होती है, जो जन की आवाज होती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल पोजीशंस में डाल देती है, गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसमेंट होती है, उस इश्यूज को कोई सरकार लाना नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो। तो ऐसे टाइम पे अपोजिशन कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज सरकार नहीं ला रही उन को पार्लियामेंट में उठाया जाए और उसके ऊपर बहस किया जाए या उसके ऊपर चर्चा करवाया जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 10 साल से कि जो है सरकार आज तक कोई भी ऐसे इशू पे चर्चा नहीं करवाई जो अपोजिशन ने उठाया है। मणिपुर में हम लोगों ने चर्चा की मांग की, लेकिन मणिपुर जल रहा था, मणिपुर कट रहा था, बट रहा था, लोग बेघर हो रहे थे, वहां पे वायलेंस रुक ही नहीं रहा था, घर घर वहां पे एम्यूनिशन पाए जा रहे थे, आर्म्स पाए जा रहे थे, लेकिन सरकार अपोजिशन की एक नहीं मानी और उसके ऊपर चर्चा नहीं की। सरकार क्या रहती है कि फॉरेन पॉलिसी पे इशू हुए, चाइनीज अग्रेशन पे इशू हुए, चाइनीज अग्रेशन पे जो है चर्चा हो, हम इसकी मांग कर रहे थे लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हुई। बहुत सारे मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करना चाह रहे थे उस टाइम पे, वो काले कानून जो इनको अल्टीमेटली वापस लेना पड़ा था उसके ऊपर चर्चा की हम मांग कर रही थी, उस पर इन्होंने बात नहीं की। बहुत सारे इश्यूज मैं लिस्ट आउट कर सकता हूँ जहाँ पे इन्होंने चर्चा की मांग को नकारा और चर्चा होने नहीं दिया, और सिर्फ एक तरफा जो सरकार के बिल्स आ रहे थे उसमें भी जो है जहाँ पे विरोध होता था उसको करके ये बिल्स पास करते थे। आप अगर देखेंगे कितने मिनट की चर्चा हुई किस बिल पे, तो सबसे कम पिछले 75 साल की हिस्ट्री में ये 10 साल में जो है बिलों पे चर्चा हुई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चर्चा से, बहस से, क्रिटिसिज्म से भागना चाहती है, ये चाहती है अपना बोल बोल दें और निकल लें। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे एज रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जन के मुद्दे, आवाम के मुद्दे उठाएं और उसके ऊपर चर्चा करवाएं। और जहां तक वन नेशन वन पोल की बात है, ये देश जब आजाद हुआ तो वन नेशन वन पोल से ही स्टक हुआ है, वहीं से ही मुझे लगता है कि 10-15 साल तक उसके ऊपर उसी तरह चलता रहा। उसके बाद में हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर अपने आप इवॉल्व होते गया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप इवॉल्व होती गई, तो उसमें अलग अलग समुदाय के, इन द सेंस मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग सेक्शंस के अपेक्षाएं जो रहते हैं उसको अकोमोडेट करने की जरूरत थी, अलग अलग पार्टीज जो अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको अकोमोडेट करने की बात थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के जिस तरह से आर्टिकल्स इंसर्ट किए
किए गए हैं उस आर्टिकल्स का इम्प्लीमेंटेशन के तहत में बहुत सारे सरकारें गिरे, बहुत सारे सरकारों में प्रेसिडेंट रूल हुआ, स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल हुआ, तो ये कैलेंडर जो था वन नेशन वन पोल का, ये डिस्टर्ब होते चले गया, वो बदल गया पूरा, वो अपने आप बदल गया, किसी ने बदला नहीं, वो अपने आप इन द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो अपने आप बदल गया। तो इसको फिर दोबारा उठाया गया, एज यूजुअल जो है टॉल स्लोगन्स जो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, जो फाइनली वो पता चलता है कि वो हॉलो स्लोगन्स हो जाते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका। तो उस तरीके का उस राह में जो है ये एक टॉल स्लोगन है, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, अपोजिशन पार्टीज अपने इनिशियल रिएक्शंस उसमें दिए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने हाईलाइट किया है। तो एज ए पार्लियामेंटेरियन मुझे ये लगता है कि जैसा ये शुरुआत में वन नेशन वन पोल था, फिर उसके बाद डीरेल होते गया और उसके बाद में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर अपने आप इवॉल्व होते गया, उस फ्रेमवर्क में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको भी पता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अलग काम कर रहे हैं, ऐसा जनता में एक बहस छेड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बिल है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसके बेनिफिट से हैं, ठीक है ये होता है, इस पे जब लाया जाएगा बहस होगी। और दूसरी बिल के बारे में आप जो बात कर रहे हैं उसकी जो एक जेपीसी बनी है वक्फ बिल की, और इसका मैं पहले आपको बताना चाहूंगा और उसका मेंबर भी हूं जेपीसी का, कि बीजेपी का इको सिस्टम जो है पहले लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू किया, इनका सोशल मीडिया जो है इतना मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ इन्होंने पुश किया है सोशल मीडिया में कि उसका कोई हिसाब नहीं, कैसा जो है जो अपनी ही लाई भी बिल के बारे में कैसा इतना झूठ लोग फैला सकते हैं मुझे पता नहीं चलता, ऐसा ऐसा झूठ बोला गया है। जब इनको क्वेश्चन किया गया जेपीसी में तो इनके पास आंसर्स नहीं है, आज भी हम सवाल उठाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि नॉन स्टेक होल्डर्स को, जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको नमाज पढ़ना नहीं है, जिसको रोजा रखना नहीं है, जिसको मुस्लिम बरियल ग्राउंड का इस्तेमाल करना नहीं है, ना ईदगाह का इस्तेमाल करना है, वैसे लोग जो है आके इसमें डिपोज करने लगे। जेपीसी में भी और जेपीसी में जो स्टेक होल्डर्स आ रहे थे वो जैसा ही विरोध करने लगे, 98-99% जो विरोध हो रहा था, जब इनको लगा कि जो है अपने बिल के पक्ष में सपोर्ट मोबिलाइज करना है, सपोर्ट जो है बिल का ड्रमिंग करने के लिए, ड्रमअप करने के लिए सपोर्ट इनको मोबिलाइज करना है, तो नॉन स्टेक होल्डर्स कुछ तो बहुत ही कम्युनल वेनमस ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया गया जो आके उसमें डिपोज करके गए थे। इससे एकदम साफ हो रहा है ये वफ का जो है भला नहीं चाहते, ना बोर्ड का भला चाहते हैं, ना मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसका डेवलपमेंट उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बिल के ऊपर देश को पोलराइज करना चाहते हैं और ऐसा परमानेंट उसमें अमेंडमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं जिसको चल के आने वाले कई सालों तक किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं और उसके ऊपर जो है लोग उन गांव में पोलराइजेशन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जेपीसी का मेंबर हूं, काफी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, जिस तरीके का जितना भी पावर, जितनी भी अथॉरिटी वक्फ को दी गई है उतनी ही अथॉरिटी एंडोमेंट बोर्ड में है, उतनी अथॉरिटी मुजरा डिपार्टमेंट के पास है, उतनी अथॉरिटी टेंपल ट्रस्ट के पास है और उतनी अथॉरिटी दूसरे कम्युनिटी के बोर्ड्स के पास भी है। मेरा मानना यह है कि कंपैरेटिव स्टडी करें और वन नेशन वन पोल की जहां बात करते हैं, वन नेशन वन लॉ फॉर ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज जो होना चाहिए, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करके देश को पोलराइज करने का काम ना करें। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम उसमें बाकी है, बहुत सारा अभी डिटेल स्टडी करने बाकी है, इसमें कई जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट के लॉस इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट इन्वॉल्व हैं, लीज एक्ट इन्वॉल्व हैं, डोनेशन एक्ट डोनेशन के रूल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें इनहेरिटेंस रूल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें शरिया इन्वॉल्व है, पर्सनल लॉ इन्वॉल्व है, इसमें स्टेट के अलग लॉस हैं, सेंटर के अलग लॉस हैं, टैक्सेशन लॉस हैं, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन्वॉल्व हैं, इनाम अबोलिशन एक्ट इन्वॉल्व हैं, लैंड सीलिंग एक्ट इन्वॉल्व हैं, ये बहुत सारे चीज इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस पे थ्रेडबेयर डिस्कशन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में वो बिल्कुल ले पाएंगे और हरीडली लाना भी नहीं चाहिए। डिटेल स्टडी होके और मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसका सही इस्तेमाल होने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक अच्छा सा बिल आए जिसको हम भी सपोर्ट करेंगे, उस तरीके का बिल, उस तरीके के अमेंडमेंट है, ये आने वाले दिनों के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ा करने के लिए जबरदस्ती उसमें अमेंडमेंट इंसर्ट करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, हमने देखा कि प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ थे और नासिर हुसैन जी कांग्रेस से थे, अभिनंदिता माथुर आम आदमी पार्टी से। आप सभी ने आकाशवाणी के साथ इस चर्चा पे हिस्सा लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सत्र पे संसद के आकाश
आकाशवाणी अपनी पैनी निगाह रखेगी, वहां के जितने भी खबर और समाचार संसद सत्र के होंगे उनके ऊपर अपने श्रोताओं के समक्ष इन सभी मुद्दों के ऊपर आकाशवाणी प्रसारण अपना जारी रखेगी। आप सभी ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदिता दयाल माथुर। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार कर रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।